इधर आ जाओ, आपकी हाइट ज्यादा, इधर से मिल जाए। देखो ऐसा है कि गोलमाल बेसिकली बच्चों का ब्रांड है। जब मैं कहता हूँ कि बच्चों का ब्रांड है, तो जब गोलमाल देखने बड़े भी आते हैं तो वो बच्चे हो जाते हैं। जब हम फिल्म बना रहे होते, तो हम जब अजय सर, अरशद, तुषार, कुणाल, श्रेयास सारे मिलते हैं, तो इट्स लाइक एक कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक बचपन की मेमोरी जैसी हो गई है। 10 सालों से ज़्यादा हो गए गोलमाल, 13 साल हो गए गोलमाल जब हमने शुरू की थी। टेक्निकली देखें तो 14 साल 2005 में शुरू हुई थी, और कहीं ना कहीं बच्चों को ये पसंद आता है ये ब्रांड, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसे और आगे बढ़ाया जाए। एंड फिर ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे एक एनिमेशन में कन्वर्ट किया जाए, ताकि बच्चे डेली देख सकें इसे। एंड वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो अब गोलमाल साल, 2 साल 3 साल में एक बार थिएटर में तो आएगी आएगी, लेकिन डेली बच्चों के लिए एक एनिमेशन सीरीज में आ जा एनिमेशन सीरीज में डेली टीवी पे रहेगी। या इट्स एन इमोशनल जर्नी। गोलमाल विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज 2005 में जब शुरू किया था तो एक नॉर्मल कॉमेडी फिल्म थी, एंड तब ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा ब्रांड होगा और ग्रेजुअली हाउस होल्ड ब्रांड बन जाएगा। यू नो, ऐसा लगता है कि गोलमाल अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम फैमिली के लिए करते हैं हर 2 साल 3 साल 4 साल में। एंड पिछली फिल्म भी जब बनी, गोलमाल अगेन बनी, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया, बच्चों ने खास करके, फैमिली ऑडियंस ने। सो इट्स इमोशनल, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ग्रेजुअली आएंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी सब जैसे गोलमाल शुरू हुई थी सब लोग ग्रेजुअली, बिकॉज क्योंकि ये फिल्म तो है नहीं 3 घंटे की, ये तो चलते रहेगा 2-3 साल तक अब। सो ग्रेजुअली विल इंक्रीज ऑल द कैरेक्टर्स एंड ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। अच्छा, रोहित, एट द सेम टाइम बहुत बार ये होता है कि गोलमाल जैसी जब फिल्म आती है तो फिर से बड़े लोगों को भी हमने लगता है कि ऑडियंस उतना या व्यूज उतने रखते हैं। नहीं देखिए, जब एनिमेशन होती है, और एनिमेशन हम पहले भी कर चुके हैं, वी बीन सक्सेसफुल बिफोर दिस ऑल्सो, जब हमने लिटिल सिंगम की थी। सो जब एनिमेशन करते हैं तो जो डायरेक्टर हैं, जो राइटिंग वर्क है, जो एनिमेशन है, ऑब्वियसली सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में होता है कि कहीं भी ऑफेंसिव ना, कहीं भी ऐसा ना हो कि बच्चे या बड़े देखते वक्त, जब उनके बच्चे देख रहे, पेरेंट्स अनकम्फर्टेबल ना हो। ऑब्वियसली दैट इज़ लाइक अ It's a responsibility more than anything else, which we as a maker, especially when we make films like Golmaal or when we are making animation series now, so it's like a responsibility for us. It's not just ke ek series banane ke liye bana diya. So in sab cheezon ka dhyan to rakha jata hai. Any reactions from actors? Yeah, they are very happy. Very happy. Yeah. आपको पूछ रहे हैं सर कुछ? रोहित से मैं कह रहा हूँ कि अभी बॉब से लगता है बहुत प्रभावित हुए हैं, पहले रणवीर को अपने कास्ट किया शोभा में, अब अक्षय सर को कास्ट करने क्या करेंगे? सूर्यवंशी में क्या करना चाहिए? अभी बहुत वक्त है, सूर्यवंशी तो बन रही है, अभी तो कितने दिन हुए, आज 4 दिन हुए शूटिंग शुरू हो गए। और इस बात को लेकर भी बहुत मतलब ये है, डाउट है कि कैटरीना है ये फिल्म में या नहीं? अरे शूटिंग शुरू हो गई कैटरीना के साथ, क्या कहाँ हो, बहुत आप लेट चल रहे हो भाई, पेपर में फोटो आ गई। रोहित कैसे हो भाई, आप कहाँ हो आजकल? मैं आपसे पूछना चाहूँगा किधर घूमते रहते हो आजकल? ये शर्मा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। रोहित, आपकी एक मिनट पूछ रहा था ना। Not really, it was like a surprise. I just told Ajay sir that we made Little Singham. He was very happy with Little Singham's progress and the way it's been received. And now when I told him that we are Golmaal bhi kar rahe hain, he was very happy. You know, because kahin na kahin ek hamari jo audience hai, uske saath ek connection. And Golmaal has become like, you know, ek emotional connector. Technically, jab bhi hum Golmaal pe kaam karte hain, to hamari soch ye rehti hai ki jab shuru kiya tha, agar wo bachcha aaj 10 या 12 साल का था जब, तो आज वो टीनेजर हो गया होगा, या ही वुड हैव बिकम अ फादर, और जो अब देख रहा है वो छोटा बच्चा है, यू नो। सो इट्स लाइक जनरेशन चेंज हो रही है, एक डेकेड निकल चुका है, यू नो, जो छोटे थे वो टीनेजर या जवान हो चुके हैं, जो जवान थे वो फादर्स बन चुके हैं। सो ये डिस्कशन तो होते रहता है कि वाई नॉट कीप इट अलाइव एवरी डे नाउ, तो उस तरह से हमने फिर ये सीरीज का सोचा। एंड जिस तरह से मैंने देखे हैं कुछ एपिसोड, जिस तरह से बन के आए, द बेस्ट थिंग अबाउट इट, बहुत सादगी है, मतलब जब आप भी अगर देखेंगे ना, तो यू हैव इतना हो हल्ला चल रहा है, यू नो, सो कहीं ना कहीं इवन यू फॉर पेरेंट्स ऑल्सो इट्स लाइक अ पीस ऑफ माइंड, इट्स यू विल गेट नॉस्टैल्जिक, आपको अपना बचपन याद आएगा और यू विल फील गुड अबाउट इट। इट्स नॉट जस्ट फॉर किड्स, यू नो, अगर पेरेंट्स भी देखें या बड़े भी देखें, तो एक आधा घंटा डिस्ट्रेस तो हो ही जाएंगे। आपकी जो पॉपुलैरिटी है बच्चों में भी बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादातर से एक्टर्स
एक्चुअली मैं मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ द फिल्म्स, जिस तरह की फिल्में होती हैं और जिस तरह की फिल्में मतलब मैं बनाता हूँ, ज़्यादातर वो सैटेलाइट पे भी उतना ही बिजनेस करती है, उतना चलती हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चे उस वजह से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो गोलमाल हो या मेरी बाकी फिल्में हो, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो या सिंगम हो। और फिर हम भी उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब हम फिल्म बना रहे होते हैं, तो इवन वी आर ये ध्यान में हम ज़रूर रखते हैं कि हमारी एक बड़ी ऑडियंस हमारी फैमिली ऑडियंस है और हमारे बच्चे हैं। इफ़ दैट्स वाई इफ़ यू सी, तो अगर ब्लड भी होगा तो बहुत रेयर होगा फिल्मों में, मेरे खून खराब एक्शन बहुत होता है बट रेयरली यू सी दैट मच ऑफ ब्लड इन द फिल्म। सो दैट इज़ बिकॉज हम हमें ये पता होता है कॉन्शियसली कि बच्चे देखने आने वाले फिल्म। यार वो तो पता नहीं बाकी लोग क्या पैसे ले रहे हैं। अब तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, किससे पैसे लूंगा यार। एक्चुअली जो प्यार मतलब एज अ डायरेक्टर मुझे मिला है, आई थिंक दैट्स आई फील आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम लकी। और भी डायरेक्टर्स है जो काम करते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट जो एक बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ टेलीविजन, जिस तरह की मैं फिल्में बनाता हूँ, जिस तरह के मैं शोज़ करता हूँ, कि इतनी बच्चों में पॉपुलैरिटी है, फ़ैन फॉलोइंग है, फैमिलीज में फ़ैन फॉलोइंग है, तो आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मतलब आई डोंट गेट कैरिड अवे। इट्स लाइक आज भी जब मैं जाऊँगा या रात को जब सोने से पहले सोचूंगा कि जो इतने बच्चे आए, इतना प्यार दिया, तो इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मैं एक जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ। और कोशिश यही रहती है, देखिए हिट फ्लॉप अच्छा बुरा तो चलते रहेगा, वो मेरे हाथ में है नहीं, बट कोशिश यही रहती है कि ऑनेस्टी के साथ काम करें और ईमानदारी के साथ मेहनत करें। अच्छा एक लास्ट सबकी तरफ से, यार ये मेरा दोस्त रह गया है पूछना ऑफ सीधा पूछेगा नहीं। बिल्कुल नहीं होती यार, जैसे हम सूर्यवंशी मैं ऐसे देखता हूँ कि एक या दो दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, और जो वो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो उनका ये होता है कि ज़्यादातर मैं बहुत करीब से जानता हूँ उनको, जो वो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो वो इन अ वे मतलब ये कहना कि मतलब जब मैं लोगों की बात करता हूँ वो भी तो हमारे लोग हैं, और वो बहुत ज़्यादा करते हैं, सिर्फ वो शोशा नहीं करते इस चीज़ का, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत 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 ज़्यादा करते हैं। मैं मतलब मैं खुद जब वो नहीं बताते तो मेरा भी एक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी ये बातें ना कहूँ, बिकॉज अगर उनको कहना होगा तो वो खुद ही कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के लिए। अगर तू मुझे थोड़े पैसे देगा तो मैं बताऊंगा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा।